हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देनी होगी, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ लव अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 12 की। जिन्हें नहीं पता है फ्रेंड, मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने 1 to 11 एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था एपिसोड 11 के एंड में कि वो मास्क लगाई हुई होती है ऐसी और उसे जू नहीं पहचान सकता है। एपिसोड 12 की शुरुआत होती है, वो आता है युंजू के पास और बोलता है कि तुमने कहीं किसी को देखा है? तो बोलती है युंजू कि चेयरमैन जू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं बस खोज रहा हूँ सी को, मुझे मिल नहीं रही है और कहाँ चली गई है। तो बोलती है सी युंजू, तो बोलता है हाँ। तो जैसे वो एक कदम बढ़ा रही होती है, फिर उसके पैर थोड़ा लड़खड़ा जाता है, वो गिरने वाली होती है, तभी सडनली वहाँ पे जू से पकड़ लेता है और सडनली वहाँ पे इत्तेफाक से आ जाती है सी और ये सारी चीज़ें देख लेती है। यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को पकड़े होते हैं और यहाँ पे युंजू के कुछ रिपोर्टर आए थे फ्रेंड लेने के लिए उसके इंटरव्यू, और वहाँ पे फोटोशूट वगैरह सारा चीज़ हो जाता है जो इन दोनों को नहीं पता होती। और यहाँ पे गुस्से में चली जाती है सी और सडनली देख लेता है जू उसके पीछे जाता है कि अरे रुको रुको सी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ता, कहता चलो। तो वहाँ पे खूब फ्रेंड सी खूब ज़्यादा लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा, कि क्या समझते हो तुम, क्या होता है तुम्हारा पता नहीं, जब मन होता है तुम आते हो पास, जब मन होता है दूर चले जाते हो। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है फ्रेंड, इतना गुस्सा, क्योंकि वो काफ़ी पेशेंट रख रही होती है अपनी बहन से लेके। लेकिन फाइनली वो फ्रेंड ख़त्म हो जाता है, उसका वो टूट जाता है। तो बोलता है कि प्लीज़ तुम चुप रहोगी, तुम चलोगी मेरे साथ जू? लेकिन फ्रेंड सी उसकी एक नहीं सुनती, अब वो चिल्ला ही जा रही होती है। तो जू लेके आता है, उसे बोलता है कार खोलो। वो गुस्से में भूत होती है, दरवाज़ा खोल देती है, बोलती है आओ बैठो। यहाँ पे बोलता है कि मैंने ये नहीं कहा खोलने के लिए, पीछे का कवर खोलो डिक्की। तो कुछ नहीं बोलती, आती है फ्रेंड सी खोलने के लिए। और यहाँ पे देख रहा होता है उसका कलीग जू का और सी की दोस्त, बोलता है कि कुछ मत बोलो, देखो चुपचाप से। अब वहाँ पे फ्रेंड जैसे ही डिक्की खोलती है, यहाँ पे फ्रेंड सी का तो बड़ी बड़ी आँख हो जाती है और एकदम शॉक में चली जाती है। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड, रोज़ होते हैं, चमेली होते हैं, सनफ्लावर होते हैं। और ये देख के तो सी इतनी खुश हो जाती है, इतनी ही खुश। तो जू बोलता है कि क्या अब तुम मुझसे लड़ाई करना बंद करोगी? अब तो तुम सेटिस्फाई हो इस फ्लावर सबको देख के? सी फ्रेंड हिलने लगती है, कहती है हाँ अब तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ फ्रेंड बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। तो बोलता है जू ये सब तुम्हारे लिए? तो बोलती है सच में? तो बोलता है हाँ ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए। फिर वहाँ पर सीन कट होती है, नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। सी देख रही थी अपने मोबाइल में फ्रेंड अपनी शूटिंग, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छा चुकी थी वहाँ पे, कि मास हीरोइन के नाम से बहुत ज़्यादा वो ट्रेंडिंग में चल रही थी और किसी को नहीं पता था कि वो मास हीरोइन कौन है ये बात। तो वहाँ पे वो बैठ के देख रही होती है, यहाँ पे जू आता है। जू देखता है कि ये क्या देख रही है अपने मोबाइल में फ्रेंड, तो थोड़ा और करीब आके देखता, वो भी देखता है। तो यहाँ पे देख रही होती है सी अपना पूरा एक्टिविटी, कैसे क्या कर रही है। यहाँ पे जू देखता है सी को और सी देखती है, उसे कुछ फील होता है कि यहाँ पे कोई है। तो बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है क्यों तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रही हो? मेरा घर है, मैं जब भी मन होगा जहाँ आऊँगा, तुम कौन होती रोकने वाली? तो सी हंसने लगती है, तो बोलती है नहीं नहीं बस ऐसे ही। तो ये सब क्या तुम देख रही हो? तो बस ऐसे ही देख रही हो। तो भाई तो बोलता है जू देखो ये सब चीज़ों से बहुत दूर हो, पता है ना कि तुम्हें चोट लगेगी तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो यहाँ पे सी बोलती ओ केयर कर रहे हो तुम मेरा? तो बोलता है जू तुम्हारी नहीं लेकिन खुद का ज़रूर कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे वो सीन कट होती है, फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे युंजू और जू और उसका कलीग और यहाँ पे सी जा रहे होते, सब लोग, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है मीडिया का वो सारे इंटरव्यू में। और तभी सडनली वहाँ पे सी को चोट लग जाती है, बट फ्रेंड सी को तो नहीं जू को लगती है। जू देखते बोलती है तुम ठीक तो हो? तो बोलता है कि हाँ ठीक है। तो बोलता है जू कि आराम से चलो, सी को केयर उसका वहाँ पे करता है। उसके बाद सडनली वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, सब लोग फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, सब लोग एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेचारी सी अकेली होती है क्योंकि फ्रेंड उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जू के साथ जू का रहना, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी। बट अपने दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकती थी फ्रेंड, ना बोल सकती थी, बस अपने आप तक रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में हो रही थी। उसके बाद वहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड आता है, तो बोलता है कि क्यों तुम इधर ड्रिंक कर रही हो? और थैंक यू। तो बोलती है थैंक यू किस बात के लिए? आज तो तुम्हें
खुश होना चाहिए और उसे थैंक यू बोलना चाहिए जो एमएमए गॉडनेस है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो बोलता है कि हाँ मैं उसके लिए तो बहुत खुश हूँ लेकिन तुम्हारे लिए भी खुश हूँ क्योंकि तुम्हारा भी काफ़ी नाम हो रहा है मास हीरोइन के नाम से, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे वो अपना फेस भी रिवील नहीं करवा सकती थी फिर ना वो बता सकती थी कि आखिर वो कौन है जो खोज हो रहा था मास हीरोइन का। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आ जाता है चेयरमैन वो और यहाँ पे जू रहते हैं यूज रहती है वो सब देख के शॉक में चला जाता है सारे लोग यहाँ पे, और सी भी उसे देख रही होती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हुगो मीडिया से आज बात करने का मुझे मौका मिला और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप सब यहाँ आए। और वो बोलता है बस मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ जू से, तो क्या आप लोग तैयार हैं। तो सारे मीडिया वगैरह सब ऑडियंस बोलता है हाँ हाँ रेडी स्टार्ट करो। तो बोलता है वो कि ये लड़की जो आपके साथ है इससे आपका क्या रिश्ता है। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है, ये काफ़ी खुश हो जाता है वो, ताकि उसे लगता है कि फ्रेंड वो उसे इस चीज़ में फंसा देगा और हुगो ग्रुप उसके हाथ से चला जाएगा और चेयरमैन वो के हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता, सब लोग साइलेंट मोड में चले जाते हैं और यहाँ पे सी काफ़ी टेंशन में चली जाती है कि क्या आखिर आंसर होगा जू का। तो यहाँ पे बोलती है न्यूज़ो कि मेरा और जू का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आप सबको लग रहा है या फिर जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा, बस हम दोनों एक साथ काम करते हैं, वो भी हम लोग इधर ही मिले हैं और हम लोगों सिर्फ काम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप सब ये सारे रिलेशनशिप के बारे में बताना बंद करिए। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा फ्रेंड यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक की भी होती है सी काफ़ी, और यहाँ पे वो अपने टेडी से बात कर रही होती है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई मेरी केयर नहीं करता है। और तभी यहाँ पे जू को फ्रेंड बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है। यहाँ पे जू बोलता है मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है, मैंने तो कोई रात में हैंगओवर भी नहीं किया तो फिर इतना मुझे पेन क्यों हो रहा है। फ्रेंड यहाँ तो सी पूरी पी के ड्रंक थी फ्रेंड, और यहाँ पे वो बार बार उसको याद आ रहा था सी को अपनी बहन के साथ जू का रहना। वो उसके बाद आता है उसके रूम में और ढगढगाता है दरवाज़ा, नॉक करता है, कहता है कि कहाँ उसी खोलो दरवाज़ा खोलो। और यहाँ पे सी फ्रेंड उठती है गिरती पड़ती हुई, वो जैसी खोलने वाली होती है तो उसे मिरर दिखता है फ्रेंड, मिरर दिखता है तो मिरर के पास आ जाती है वो और काफ़ी गुस्सा करती है और उसकी अपनी बहन को याद करती है क्योंकि उसकी बहन फ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो ड्रेस हेयर स्टाइल में एक नंबर थी। बट फ्रेंड सी में ये सब चीज़ें कुछ नहीं थी क्योंकि वो बॉडी गार्ड थी फ्रेंड, वो तो नॉर्मल ड्रेस में रहेगी। बस उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे भी फ्रेंड हॉट बनने का दिमाग आता है। बाद फ्रेंड वो सीजर लेती है और अपने टी शर्ट को पीछे हल्का सा फाड़ देती है। उसके बाद वहाँ पे जू आता है, जू बोलता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो, लेकिन जैसे ही देखता है फ्रेंड दरवाज़ा बंद रहता है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, वो जाने वाला होता है तो फिर वो जाता है अंदर, इधर उधर देखता है कि ये सी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही, आवाज़ भी देता बट सुनाई नहीं देता। और यहाँ पे फ्रेंड सी पोज में बैठी होती है हॉट से पोज में, तो यहाँ पे आता है जू, जू उसे देखता है जल्दी से फ्रेंड फेस को कवर कर लेता है। तो बोलता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो, तो बोलती है क्या हुआ चेयरमैन जू तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। तो बोलता है कि तुम इतने नशे की हालत में हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, क्यों तुम उसे कितना प्यार करते हो बोलो ना जू, चेयरमैन जू बोलो ना। और यहाँ पे बेचारा फ्रेंड वो अपना फेस कवर क्या होता है, जैसे फ्रेंड सी घूमती है तो पूरी लिपस्टिक फ्रेंड उसकी इधर उधर लगाई भी होती है हॉट बनने के चक्कर में फ्रेंड, क्योंकि उसे मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और जू देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आता फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड बाई गॉड बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट आप सबको देखने को मिलेगा, और सी आती है बहुत स्पीड से फ्रेंड और यहाँ पे जू को फर्स्ट किस करती है। और यहाँ पे जू देखता है एकदम आँख फाड़ के कि वो क्या कर रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा उसे किस करने लगती है और जू फिर भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि फ्रेंड वो टोटली कंफ्यूज था। फिर वहाँ पे वो सीन कट होती है, नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में सब लोग ऑफिस आए रहते हैं, यहाँ पे जू और यहाँ पे सी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो जू का कलीग कहता है क्या तुम दोनों थोड़ी देर चुप होकर बात नहीं कर सकते हो, क्या आखिर प्रॉब्लम है तुम दोनों को, जब भी देखो लड़ाई करते हो एक्स्ट्रा और तुम लोगों का कोई काम नहीं। और सर जू आप तो सीनियर हो फिर आप इस तरीके से बच्चों के लिए लड़ाई करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है। तो जू का कलीग समझाता है कि
आपको पता भी है कि आप उसे लाइक नहीं करते हो, आप उसे बहुत ज़्यादा लव करते हो बट कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्यों बीच में आप अपने ईगो को ला रहे हो। कन्विंस करो कि हाँ आप उसे बहुत प्यार करते हो, तो बोलता कि मैं उसे कोई प्यार नहीं करता, बस मुझे सिर्फ चोट ही चोट लगती है, काश मैं तुम्हें पहले बता देता, मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ उससे का दर्द है। और यहाँ पे उसका कलीग नहीं कुछ समझ पाता है, बोलता है यहाँ पे जिस तरीके से इंसान को थप्पड़ कोई मारता है तो चोट लगता ना, बस वैसे ही मुझे आज तक चोट लगती आई और कुछ नहीं। फिर इधर आता है जू का कलीग सी के पास, तो बोलती है सी क्या बोला उसने, तो बोलता है कि उसने क्या बोला ये मैटर नहीं करता, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, उसका छोड़ो कि वो क्या चाहता है। तो यहाँ पे काफ़ी टेंशन में रहती है सी और काफ़ी सैड होती है फ्रेंड, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है उन सारी चीज़ों को लेके। तो बोलती है कि वो पहला इंसान है जो मुझे खाना दिया बना के, वो पहला इंसान है जो मेरे लिए ब्राउन शुगर दिया मुझे पीने के लिए, उतना मेरा केयर किया। काफ़ी रोती है, सैड भी होती है काफ़ी कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, उसे तकलीफ़ हो रही है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, और मैं क्या करूँ, मुझे भी ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है मेरे और उसके साथ। और यहाँ पे फ्रेंड जू भी काफ़ी टेंशन में था, वो भी सोच रहा था क्या वो प्यार है या फिर जेन्यून ऐसे ही है, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होती है, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।